आज का दिन भारत के संविधान के निर्माता आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञानमार्गी क्रांतिवीर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है। उन्होंने भारत को संविधान दिया। वैज्ञानिक उनको मॉडर्न मनु के नाम से भी पुकारते हैं। उनके संकल्प जिसको कि हम कहते हैं कि उनकी विल पावर, उनका संयम जिसको हम सेल्फ रेस्ट्रेंट कहते हैं, उनका परसवियरेंस जिसको परसिस्टेंस कहते हैं डिस्पाइट साइड इफेक्ट्स, उनके संकल्प, उनके श्रम, उनके संयम को सजदा करने का, सलाम करने का, सैल्यूट करने का, प्रणाम करने का हर भारतवासी का आज मन करता है। हम भी सभी उत्कल जननी उत्कल राज्य के प्रथम बाल होने के नाते, सभी बाल वृद्ध नारी की तरफ से, उत्कल जननी की संतति की तरफ से उनका अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उसके साथ साथ वैश्विक महामारी को रोकने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए उत्कल प्रदेश के ऐसे सभी जन अपनी उमंग उत्साह और उल्लास से, शांत भाव से, दास्य भाव से, सखा भाव से, माधुर्य भाव से, वात्सल्य भाव से निरंतर जिनके चरण इस वैश्विक महामारी को विजय प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी के चरणों में आज अभिवादन करने का, अभिनंदन करने का और उनको प्रणिपात करने का आज का समय है। उन्होंने अपने अस्तित्व के सुख और प्रेम को, उन्होंने अपने एग्जिस्टेंस की सभी सुख और सुविधाओं को, उन्होंने इन सब को दरकिनार करते हुए उड़ीसा के जन जन को सुरक्षित रखने के लिए जो महती भागीरथी प्रयास किए हैं वह अभिनंदनीय है, प्रशंसनीय है। उन्होंने अपने स्वधर्म को रखा है। महाप्रभु जगन्नाथ ने जो भगवत गीता के अंदर बार बार कहा, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार नहीं, अनेकों बार कहा। हम देखना चाहें तो गीता के थर्ड चैप्टर का 35th वर्स देख सकते हैं, देखना चाहें तो 18th चैप्टर का 47 और 48 वर्सेस देख सकते हैं, जिसमें भगवान प्रभु जगन्नाथ ने कहा श्रेयां स्वधर्मो सहज कर्म, उसके प्रति जो उड़ीसा के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल फोर्सेस, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सफाई कर्मचारी, प्रिंट मीडिया चैनल्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, असेंशियल कमोडिटीज को सप्लाई करने वाले, ऐसी सभी लोगों ने उमंग और उत्साह उल्लास के साथ जिस प्रकार से इस वैश्विक महामारी को विजय प्राप्त करने के लिए जो आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि जैसे लहर में पानी होता है और पानी में लहर होता है, इस प्रकार से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हों या फिर उत्कल प्रदेश की सरकार हो, उसके मुख्य मंत्री महोदय श्री नवीन जी पटनायक, चाहे वो 5T के कार्तिकेय हों, चाहे पुरी और सब चीजों को संभालने वाले कृष्ण हों, चाहे फिर वो गीतांजलि है, संघमित्रा है, यामिनी है, सुजाता है, अनुपमा है, ऐसे कितनों के नाम लें, सभी लोगों ने ऐसा लगता है इस वैश्विक महामारी पर विजय प्राप्त करने के लिए उनके सब कदम बढ़ रहे हैं। मन करता है कि यहां से निकलकर सभी को मिलकर, उनको उनके साथ मिलकर उनके इस उमंग उत्साह उल्लास में हाथ बांटने का मन करता है। पर फिर कई बार हमको समझाया जाता है कि आपके जाने से तो व्यवधान पैदा हो जाएगा, पुलिस के कर्मी और कर्मचारी जो है इधर उधर लग जाएंगे, इसलिए हमको इधर लॉकडाउन गवर्नमेंट का हुआ होगा, सरकार का हुआ होगा, भारत का हुआ होगा, उत्कल प्रदेश का हुआ होगा, लेकिन हमारा लॉकडाउन भी गवर्नर हाउस का पूरी तरह से कर दिया गया है। लेकिन फिर भी मन में ये उमंग अवश्य है कि जैसे लहर और पानी, पानी और लहर, ऐसे उत्कल प्रदेश की सरकार, हिंदुस्तान की सरकार जन जन के साथ इस प्रकार से खड़ी नजर आती है। केवल हमने भारत के अंदर नहीं, हमने विश्व को भी एक दिशा प्रदान किया है। ऐसे देश जो अपने आप को विकसित कहलाते हैं, ऐसे देश जो अपने आप को नंबर 1 का कहलाते हैं,
ऐसे देशों को भी हमने दिशा देने का एक प्रयास किया है। अगर मैं बोलना चाहूं भगवद गीता के श्लोकों से तो बोल सकता हूं कि निर्माण मोह जित संग दोषः अध्यात्म नित्य निवृत्त अध्यात्म विनिवृत्त काम द्वंद्वी मुक्ता, कोई प्लेजर और पेन नहीं, कोई फेवरेबल और अनफेवरेबल सर्कमस्टांसिस का विषय नहीं, केवल एक ही विषय है कि अपने ईगो को, अपने आलस्य को, अपनी आसक्तियों को दरकिनार करें, अपने आप को भुलाकर। कोई बोल सकते हैं सहायता कर रहे हैं क्या, सेवा कर रहे हैं क्या? नहीं, ना सहायता है ना सेवा है, किंकर बनकर पूजा करने का जो काम कर रहे हैं उत्कल प्रदेश के अंदर। और ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि उत्कल प्रदेश ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है इस महामारी को, वैश्विक महामारी के इन भूतानों को, इन फैंटम्स को, सर्पेंटाइन्स की तरह जो सर्प की तरह घुस आए हैं, इन पर विजय प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास किया। कहने को चाहिए तो बिसरा का छोटा सा गांव जिसमें 386 मकान है, 366 मकान है, एक एक मकान का सर्वे करने की बात करना, इसको मैं कहता हूं कि लहर में पानी और पानी में लहर के समान हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार उस प्रकार से बढ़ रही है। और उसके साथ साथ आज प्रसन्नता का विषय ये भी है कि उत्कल प्रदेश की सरकार ने, उत्कल राज्य की सरकार ने अनेक व्यवधानों को जो शुरू में लगाए गए थे 21 दिन के लिए, उसमें से कुछ रिलैक्सेशन देने का भी प्रयास किया है, ताकि उत्कल का एक एक जन उसका, जिसको हम योगक्षेम कहते हैं कि योगक्षेम वहामी हम, उसके भरण पोषण की, उसकी सुरक्षा की, उसकी हर प्रकार की जिम्मेवारी मेरी है, ऐसा जैसे प्रभु जगन्नाथ ने कहा भगवत गीता में, वही उत्कल प्रदेश की सरकार इस समय करने जा रही है, कर रही है और बहुत अच्छे से कर रही है। ऐसे मौके पर मैं उत्कल राज्य का प्रथम बाल होने के नाते सभी पिल्लाओं की तरफ से, बालों की तरफ से, ऐसे सभी चरण जो बढ़ रहे हैं विजय की तरफ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल फोर्सेज हैं, नर्सेज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, असेंशियल कमोडिटीज को सप्लाई करने वाले लोग हैं, प्रिंट मीडियाज हैं, चैनल मीडियाज हैं, इन सब के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और केवल एक बात की प्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूँ कि खुदा करे, प्रभु जगन्नाथ करे, दिल जनों से, दिल जलों से भारत को बचाएं, उत्कल प्रदेश को बचाएं। ऐसे में ये भी कहना चाहता हूं कि तुम्हें और क्या दें हम दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए, इस प्रकार की कामना करते हुए प्रभु जगन्नाथ से याचना करता हूं कि जो लोग इस युद्ध में लगे हुए हैं वह इस युद्ध में विजय प्राप्त करें, हम होंगे कामयाब, हमको है विश्वास। वंदे उत्कल जननी।